नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शनम ए होलिस्टिक गाइडेंस संस्था से मैं आचार्य ज्ञान प्रकाश। आज मैं आपको बीए और आचार्य की डिग्री के बारे में, जो इसका विवाद चल रहा है इंडियन आर्मी में, उसके विषय में और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का फोन हमारे पास आया जो अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या मैटर है शास्त्री और आचार्य की डिग्री का। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, उसमें किसी भी अधिकारी रैंक की पद में आवेदन करने के लिए बैचलर डिग्री की आवश्यकता होती है। बिना बैचलर डिग्री के आप सेना में अधिकारी नहीं बन सकते हैं। और जो यह JCO धर्म शिक्षक का पद है, ये नायब सूबेदार का पद है, जिसके कारण इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा जाता है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि क्या विवाद है। यहाँ पर जो हमारी शास्त्री की डिग्री है, उस शास्त्री की डिग्री को वो लोग बैचलर डिग्री के समकक्ष नहीं मानते हैं। जिस प्रकार से BA, BSc, BCom इत्यादि त्रिवर्षीय डिग्री हैं, उसी तरह से शास्त्री भी त्रिवर्षीय डिग्री है, लेकिन इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो शास्त्री है, ये डिग्री नहीं, डिप्लोमा है, इसलिए उसको समकक्ष न मानते हुए उसको बैचलर और नहीं मानते हैं। लेकिन मैं इंडियन आर्मी प्रमुख से निवेदन करना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जो राजपत्र है, उसमें भी ये संस्कृत के जो डिग्रियाँ हैं, शास्त्री और आचार्य, पूर्व मध्यमा, मध्यमा, वो सभी गजेटेड हैं। उसके साथ ही जो राज्य स्तरीय गजट हैं, उनमें भी वो भिन्न भिन्न सभी राज्यों में उसको दर्शाया गया है। शास्त्री और आचार्य की जो समकक्षता है, वो BA और MA के साथ दर्शाई गई है। इतना ही नहीं, हमारे भारत देश में जो शिक्षा की मानक रेखा तय करने वाली संस्था UGC है, वो भी अपने गाइडलाइन में ये निर्देशित करती है कि यह जो शास्त्री और आचार्य की डिग्री है, ये डिग्री BA और MA के समकक्ष ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर है तो सब्जेक्ट का अंतर है, बाकी मान्यता दोनों की बराबर है। ये शास्त्री और आचार्य की डिग्री की समकक्षता और जो विवाद है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस शास्त्री की डिग्री को बैचलर डिग्री स्वीकार नहीं करते हैं। इसमें एक पक्ष और सामने आया था, पिछले वर्ष भी आया था और इस वर्ष पुनः आया है, कि जैसे हमारे जो शास्त्री की डिग्री है, आचार्य की डिग्री है, वो दो संस्कृत के माध्यम से प्राप्त होती है, तो ये दो प्रकार की डिग्री होती है, एक तो पारंपरिक संस्कृत और दूसरा जो सभी सामान्य विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, संस्कृत से भी है। तो जो ट्रेडिशनल संस्कृत, पारंपरिक संस्कृत है, वो उस पारंपरिक संस्कृत से शास्त्री और आचार्य की डिग्री प्राप्त होती है हमें। तो जो हमारी पारंपरिक डिग्रियां हैं, उनमें संस्कृत नहीं लिखा होता है, क्योंकि उस संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, अभी तो संस्कृत एक बहुत बड़ा वाङ्मय है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे व्याकरण है, साहित्य है, ज्योतिष है, दर्शन है, मीमांसा है, इत्यादि सारे विषय। तो जब हम शास्त्री करते हैं या आचार्य करते हैं, तो हमारे उन डिग्रियों पर
केवल ये नहीं लिखा रहता कि संस्कृत से शास्त्र किए हैं अथवा संस्कृत से आचार्य किए हैं, अब बल्कि हमारे उन डिग्रियों पर जिस सब्जेक्ट से हम शास्त्री करते हैं, जिस सब्जेक्ट से हम आचार्य करते हैं, अगर हम व्याकरण से शास्त्री आचार्य करते हैं तो हमारे डिग्री में व्याकरण व्याकरण लिखा होता है, अगर हम साहित्य से करते हैं तो साहित्य लिखा होता है, यदि हम किसी अदर विषय से शास्त्री और आचार्य करते हैं तो जिससे करते हैं वो लिखा हुआ होता है। तो इस बात को ही उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत ही आते हैं, ये जो व्याकरण साहित्य ज्योतिष इत्यादि विषय लिखे हुए होते हैं वो कोई संस्कृत के अतिरिक्त नहीं है, संस्कृत के अंतर्गत ही ये सब आते हैं और इसको संस्कृत के अंदर ही जानना चाहिए। पिछले वर्ष बिहार में भी एडमिट कार्ड रिटर्न एग्जाम का इसीलिए रोक दिया गया था, खैर बाद में दिया गया लेकिन पहले इसीलिए रोका गया था कि आपके डिग्री में शास्त्री की जो डिग्री है वो किसी की ज्योतिष से थी, किसी के व्याकरण से थी, किसी के वेद से थी, तो उन्होंने कहा कि ये डिग्री संस्कृत की नहीं है, तो व्याकरण लिखा हुआ है इसमें। तो इस खैर उनको इस बात का नॉलेज नहीं रहा होगा, तो नहीं नॉलेज था तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको जानने का प्रयास भी न करना ये गलत बात है। इसलिए मैं इंडियन आर्मी भारतीय सेना प्रमुख और मुख्यालय के सभी अधिकारियों से जो इस परीक्षा कमेटी के मेंबर हैं, जो निर्णय लेते हैं, उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब नहीं अगर जानकारी है तो जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे UGC हैं, भारत सरकार का जो राजपत्र है स्टेट, उसमें भी देख सकते हैं, वहाँ पर वहाँ से भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट हैं उनमें सब कुछ स्पष्ट है, आप वेबसाइट खोल करके देख सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, नेटवर्किंग सिस्टम है, आप बैठे बैठे भी देख सकते हैं, उस पर भी अगर नहीं संतुष्टि होती है तो आप पत्र के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मुख्यालय में आप हैं तो वहाँ से आप सीधे संपर्क करके इस बात की जानकारी ले सकते हैं। और ये जो है इस समस्या का निराकरण एकदम आसानी से हो सकता है, कोई बहुत बड़ी जटिल समस्या नहीं है, ये चुटकी मात्र में सॉल्व हो जाने वाली समस्या है। इसलिए पुनः मैं सभी अधिकारियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप वहाँ संपर्क करके, UGC नेट है, भारतीय राजपत्र है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके इस समस्या का निस्तारण किया जा सकता है। इसमें एक बात और सामने देखने को आई है इस विषय में कि संबंधित जो ऑफिसर्स होते हैं जिस ARO में परीक्षाएं चल रही होती हैं, वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन में इन्होंने लिख रखा है और उसी को घुमा फिरा करके बात बताते हैं। तो ये भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी संबंधित अधिकारियों से कि आप वह जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को स्पष्टतया उसमें स्पष्ट लिख करके बताइए कि आपको किस डिग्री की आवश्यकता है। अगर आप नोटिफिकेशन में शास्त्री और आचार्य की डिग्री मांगते हैं, क्रमकांड का डिप्लोमा मांगते हैं और उसके बाद इन डिग्रियों को लेकर के जो अभ्यर्थी जाता है, आप उसका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लेने के बाद रिटर्न परीक्षा में आप उसको अयोग्य घोषित कर देते हैं, तो फिर इसका कोई मायने नहीं रह जाता है, कोई उसका मतलब नहीं रह जाता जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें शास्त्री और आचार्य की डिग्री को रखा है। तो इससे अच्छा तो यही हो सकता है कि फिर उसको हटा दीजिए और यदि नहीं तो आप उसको स्वीकार करें ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक समाज के विशेष वर्ग के साथ अन्याय होगा और उन सभी की भावनाएं आहत होंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शीघ्र एवं सही समस्या का निस्तारण करने का प्रयास किया जाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।